वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बुरे फंसे। वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हो गया है। साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हरा दिया। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को रौंद कर रख दिया। वो नीदरलैंड जिसने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया था, उसने इस साल वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से रौंद दिया और साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा चोकर कहा जाता है। नीदरलैंड ने किया साउथ अफ्रीका का काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम नीदरलैंड के हाथों वर्ल्ड कप में हार गई। ये इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया था। वहां एक बड़ा उलटफेर हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को रौंद दिया। इस मुकाबले में नीदरलैंड को 38 रनों से जीत मिली। नीदरलैंड ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 245 रन बनाए। एक समय नीदरलैंड की बल्लेबाजी संघर्ष कर रही थी और उनके विकेट जल्दी गिरते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद कप्तान एडवर्ड्स ने आकर 69 गेंदों में नाबाद 78 रनों की कमाल की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और एक छक्के लगाए। इससे पहले विक्रमजीत सिंह हो या फिर एकरमैन, हर कोई फ्लॉप हो गया और यहाँ पर साथ दिया वेंडम मॉम ने भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की और नीदरलैंड को आगे पहुंचाया। और इसके अलावा आर्यन दत्त ने भी आकर नीचे तेज तर्रार शॉट खेले और नीदरलैंड टीम को बड़ी मदद मिली। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आती है बैटिंग करने के लिए और साउथ अफ्रीका की टीम का बुरा हाल करते हैं नीदरलैंड के गेंदबाज। साउथ अफ्रीका की टीम 42 ओवर 5 गेंद में 207 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ये मुकाबला बारिश की वजह से 43 ओवरों का हो गया था और यहाँ पर नीदरलैंड ने 38 रन से जीत दर्ज कर ली। साउथ अफ्रीका के पास एक से बड़े एक दिग्गज बल्लेबाज हैं। क्विंटन डीकॉक तो इस वर्ल्ड कप में लगातार 2 सेंचुरी जड़ चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में वो 20 रन पर आउट हो गए। कप्तान बमुमा 16 रन पर आउट हो गए। वेंडर डुसेन 4 रन पर, माक्रम 1 रन पर, क्लासेन 28 रन पर और मिलर ने तो एक खराब शॉट खेला और 43 रन पर आउट हो गए। इसके अलावा आखिरी के ओवरों में केशव महाराज ने जरूर 40 रन बनाए, लेकिन वो भी टीम को जीत तो नहीं दिला पाए। यहाँ पर बात करेंगे नीदरलैंड के गेंदबाजों की और उन्होंने जो शानदार गेंदबाजी की है उसकी। रियोल्फ वेंडरमाओ जो कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पहले वो साउथ अफ्रीका से खेला करते थे लेकिन अब वो नीदरलैंड की टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका को ही रौंद कर रख दिया। रियोल्फ वेंडरमाओ ने 9 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट निकाले। ये वेंडरमाओ की गेंदबाजी का भी कमाल था, जो उन्होंने बहुमा और वेंडर डुसेन को पवेलियन भेज दिया। इसके अलावा लोगन वैनविक ने भी 3 विकेट छटके, जिसकी बदौलत नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीत गई और नीदरलैंड ने इस वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर कर दिया। साउथ अफ्रीका जिंदगी भर रहेगा चोकर। साउथ अफ्रीका को लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में कहावत है कि इनसे बड़ा चोकर आज तक नहीं देखा होगा और साउथ अफ्रीका हर वर्ल्ड कप में ये चीज बताता भी रहता है कि जो दुनिया उनके बारे में सोचती है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि याद कीजिए 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जब हर कोई सोच रहा था कि भारत के ग्रुप से भारत और साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम नीदरलैंड से हार गई और पाकिस्तान सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेल गया। तो 2022 में T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हार कर साउथ अफ्रीका उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी और इसके बाद 2023 में वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका को करारी हार मिली है और जिसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से बड़ा चोकर तो किसी ने देखा ही नहीं होगा और ये बात हर वर्ल्ड कप में साबित भी हो जाती है। पॉइंट्स टेबल में हुई बड़ी हलचल, फंस गए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के हारने से पॉइंट्स टेबल में एक बड़ी हलचल मच गई है। वैसे तो साउथ अफ्रीका की टीम के अभी भी 4 अंक है, लेकिन नीदरलैंड ने जीत का खाता खोल दिया है और नीदरलैंड की टीम अब पहुंच गई है पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम के लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल अभी पूरी तरीके से खुल गई है। नीचे की टीमें भी जीत हासिल कर रही है और क्या पता आगे चलकर कोई नीचे की टीम ही टॉप 4 में पहुंच जाए। ऐसे में अफगानिस्तान और नीदरलैंड को हल्के में किसी को नहीं लेना होगा, क्योंकि ये दोनों टीम में 2-2 अंक हासिल कर चुकी है। और इसके अलावा श्रीलंका, जो 3-3 मुकाबले हार गया है, वो भी घात लगाए बैठा है। वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में किसी बड़ी टीम का शिकार कर दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से हारी है उस तरीके से कोई बड़ी टीम भी हार सकती है और क्या पता श्रीलंका की टीम जो काबिलियत रखती है उसके दम पर वो किसी टीम का शिकार ही कर दे। ऐसे में अब हर टीम को नीचे की टीम से बचकर रहना होगा। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अभी नंबर 1 पर इंडिया 6 अंक के साथ बना हुआ है, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड 6 अंक के साथ बना हुआ है और इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम ही इस वर्ल्ड कप में ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मुकाबले नहीं हारी है। तो ऐसे में दोस्तों, साउथ अफ्रीका की इस हार पर आप क्या कहेंगे और क्या आपको भी लगता है कि साउथ अफ्रीका से बड़ा चोकर तो वर्ल्ड
क्रिकेट में कोई होगा ही नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।